दोस्तों, एक तस्वीर लाखों शब्दों के बराबर होती है, लेकिन इसे ये दर्जा इतनी आसानी से नहीं मिला है। इस दुनिया की सबसे पुरानी प्राकृतिक तस्वीर का नाम व्यू फ्रॉम द विंडो एट ली ग्रास है। इस फोटो को फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ नाइसोफोर ने अपने घर की खिड़की से लिया था। साल 1827 में खींचा गया यह फोटो, जिसे कैप्चर करने में करीब 8 घंटे का समय लग गया था। इस फोटो को दुनिया का सबसे पहला फोटो माना जाता है। और दोस्तों, हमें हमारे स्कूल से ही इस बात को बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया की सबसे पहली तस्वीर 1827 में नहीं बल्कि 13 बिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सुनने में भले ही हैरान कर देने वाली है, लेकिन जब आप पूरी बात जानेंगे तो इससे भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें आप कुछ ऐसा जानेंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल के जमाने में तो तस्वीर खींचना बहुत ही आम बात है, क्योंकि हमारे हाथों में हमारे मोबाइल फोन रहते हैं और हम जब चाहे तब किसी भी चीज की तस्वीर ले सकते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे नहीं थी, तो किसी भी मोमेंट को कैप्चर करने के लिए तस्वीरें बनाने का ट्रेंड था। और फिर साल 1827 में पहली बार फोटो को खींचा गया। पर दोस्तों, इस दुनिया की पहली तस्वीर से जुड़ी एक सच्चाई अभी भी आपको जानना बाकी है, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाली है। क्योंकि इस दुनिया की जो सबसे पुरानी तस्वीर है, उसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खींचा गया था। और इन सब बातों को जानने से पहले चलिए थोड़ा हिस्ट्री में जाया जाए, क्योंकि 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, जहां पर यह अभी तक एक्टिवली यूज में है। हालांकि यह सबसे पहला स्पेस टेलीस्कोप नहीं है, लेकिन यह दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक माना जाता है। शायद आपके दिमाग में यह सवाल अभी भी आ सकता है कि हमें इतनी ऊंचाई पर टेलीस्कोप लगाने की क्या जरूरत है। तो इसका जवाब बहुत ही साधारण सा है, क्योंकि यह जो हबल टेलीस्कोप है, यह लो अर्थ ऑर्बिट में है, लेकिन अर्थ के एटमोस्फेयर की लिमिट से बाहर है। ऐसे में कई तरह की रेडिएशन, जैसे कि गामा रेडिएशन, एक्सरे वगैरह, एटमोस्फेयर के कारण ही पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। इसलिए टेलीस्कोप ही एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि यूनिवर्स किस तरह से दिखता है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में बाकी चीजों को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि हबल टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर किस तरह था, क्योंकि इसका सिस्टम प्रेसाइज मिरर की तरह था, ना कि लेंस की तरह जैसे कैमरे होते हैं। इसी वजह से मिरर और ऑप्टिकल सिस्टम इस डिजाइन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हबल की हेल्प से हम रेंज में आने वाली हर एक चीज पर नजर रख सकते हैं, जहां अल्ट्रावायलेट से लेकर नियर इंफ्रारेड तक की चीजें कैप्चर हो सकती है। अब जब यह टेलीस्कोप इतना ज्यादा कारगर है, तो जाहिर सी बात है कि इसे बनाने में पैसे भी उतने ही लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी सोच से भी ज्यादा पैसे हबल को डिजाइन करने में लगे थे। जहां जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो $400 मिलियन में शुरू हुआ, लेकिन जब तक इसका लॉन्च किया गया तब तक इस प्रोजेक्ट पर $6 बिलियन का खर्च हो चुका था। और यह तो सिर्फ अकेले अमेरिका की तरफ से था, क्योंकि दूसरी $651 मिलियन यूरोपियन स्पेस एजेंसी से एलोकेट हुए थे, जहां हबल फाइनली 25 अप्रैल 1990 को ऑर्बिट में एंटर हो गया था। लेकिन जब यह हमारी ऑर्बिट पर पहुंचा तो पता चला कि इसके अंदर डिफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर वो शार्पनेस नहीं थी जो वैज्ञानिकों ने एक्सपेक्ट की थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मिरर के किनारों को ठीक तरह से पॉलिश नहीं किया गया था। पर अब किया भी क्या जा सकता था, इसलिए इस टेलीस्कोप को ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसके करीब 3 साल बाद हबल टेलीस्कोप ने फोटोग्राफ्स लेनी शुरू कर दी। ऐसे में करीब 3 दशकों तक हबल ने कई सारी तस्वीरें ली, जो कि बहुत ही शानदार थी, क्योंकि हबल के पास अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैप्चर करने की ताकत थी। ऐसे में यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा था और स्पेस भी अपने आप ही एक्सपेंड करना शुरू कर दे रहा था। और जब लाइट यूनिवर्स से गुजरती हुई जाती तो उसका वेवलेंथ स्ट्रेच होता था, जिस वजह से जब लाइट हबल तक पहुंचती थी तो उसकी वेवलेंथ उसके बिगिनिंग से काफी ज्यादा लंबी हो जाती थी। और इसे रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, लाइट भी स्पेस में उतनी ही ज्यादा ट्रेवल करेगी और उतना ही उसका रंग भी लाल होता जाएगा। ऐसे में पिक्चर में जितना लाल रंग दिखता है
उतना ही ये क्या मिरर से दूर क्लिक होती है, जो कि बहुत ही सिंपल सा रूल है। और हबल का सबसे बड़ा गोल यही था कि वो यूनिवर्स में सबसे दूर तक दिखने वाली लाइट तक पहुंच सके। ऐसे में वैज्ञानिकों ने ऐसा करने का तरीका भी निकाल लिया था, क्योंकि 2016 को GN Z11 नाम की गैलेक्सी को स्पॉट किया गया। ऐसे में दोस्तों GN Z11 भी वही सेम रेड शिफ्ट है। अभी हमने आपको यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में बताया था, उसे मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम इसे अभी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 13,400,000,000 दूर है, क्योंकि इस लाइट को हबल टेलीस्कोप तक पहुंचने में इतना ही समय लगता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि GN Z11 की ये जो रेड स्पॉट वाली तस्वीर है, ये 13 बिलियन सालों से भी ज्यादा पुरानी है। हाँ, माना कि दुनिया की सबसे पहली तस्वीर जिसे 1827 में लिया गया था, यह उस तस्वीर से लगभग 190 साल बाद ली गई है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो GN Z11 की तस्वीर व्यू फ्रॉम द विंडो एट ली ग्रास से बहुत ही पुरानी है, क्योंकि दोस्तों प्रकृति इसी हिसाब से चलती है, जहां पर टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट हर तरह से काम करता है। और यह तस्वीर भी 13,400,000,000 साल पुरानी है, जिसमें भी कोई दो राय नहीं है। और हाँ, हम आपको बता दें कि हमारा यूनिवर्स 13,800,000,000 साल पुराना माना जाता है, क्योंकि बिग बैंग तभी से इस ब्रह्मांड में है। और अगर इसी हिसाब से हम बात करें तो GN Z11 बिग बैंग से मात्र 400,000,000 साल पुराना ही है। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए यह कितना ज्यादा अमेजिंग है। और तो और इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि GN Z11 की हबल इमेज डार्क एज के एंड से काफी नजदीक है, यानी कि अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह पहले स्टार के बनने का पीरियड था, जहां पर कोई भी ब्राइट लाइट का सोर्स नहीं था। क्योंकि दोस्तों डार्क एज का अंत तब हुआ जब यूनिवर्स में मैटर एरा की शुरुआत हुई। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर कुछ अमेजिंग सरकम स्टेंसेस ना आते तो हम कभी भी हबल टेलीस्कोप से इस शानदार तस्वीर को कैप्चर ना कर पाते। लेकिन वो कहते हैं ना कि इस संसार में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, और इस जगह पर भी यही हुआ, क्योंकि किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि इतनी पुरानी तस्वीर एक टेलीस्कोप से कैप्चर हो पाएगी। और ऐसा होने के लिए इंटरपोल एक्टिंग एनवायरनमेंट, जिसे रियनाइज्ड कहते हैं, और इसी रियनाइज्ड की वजह से ही ऐसी सिचुएशन बनी, जिस वजह से हबल टेलीस्कोप GN Z11 की तस्वीर लेने में कामयाब हो गया। और दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि GN Z11 की लाइट को एक दूसरी गैलेक्सी से पास होकर निकलना पड़ा, और लाइट एक बार इस रूट से निकली तो दोबारा कभी भी वापस नहीं आई। लेकिन ग्रेविटेशनल पुल ने अपना काम कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास ये शानदार तस्वीर है, जो कि किसी के भी होश उड़ा सकती है। अब दोस्तों माना कि GN Z11 की तस्वीर पूरी हिस्ट्री की सबसे पुरानी तस्वीर है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी कई सारी तस्वीरें खींची गई जो बिलियंस ऑफ ईयर से भी ज्यादा पुरानी है। अब जैसे कि आप तो गैलेक्सी EGSY8P7 को ही ले लीजिए, क्योंकि इस लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में 13,200,000,000 सालों का समय लगता है, और यह GN Z11 से पहले रिकॉर्ड होल्डर थी। ऐसे में दोस्तों क्या पता कोई और गैलेक्सी मिल जाए जो इससे भी पुरानी हो और वो GN Z11 का भी रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि एक और गैलेक्सी जिसका नाम A2744 है, उसे बिग बैंग के इस दुनिया में आने के बाद करीब 600,000,000 सालों के अंदर ही कैप्चर कर लिया गया था। पर केवल गैलेक्सी ही ऐसी चीज नहीं है जो वैज्ञानिकों के लेंस में कैप्चर हुई है, क्योंकि 23 अप्रैल 2009 को शिफ्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने बेहद ही विशाल काय आग का गोला, जिसका नाम GRB090423 है, उसे कैप्चर किया, जिसकी उम्र 13,035,000,000 साल पुरानी है। जिस बात से वैज्ञानिकों ने यह बताया कि कई सारे तारे ब्रह्मांड की शुरुआत में ही बनते और मरते हैं, जहां 6 दिसंबर 2017 को वैज्ञानिकों ने क्विजार डिस्कवर किया, जो कि बहुत ही बड़ा था, जिसका नाम ULAS J1342+0928 है, जिसे सबसे दूर मौजूद क्वेजार कहकर बुलाते हैं। और यह इतना बड़ा है कि इसका मास हमारे सूर्य से 800,000,000 गुना ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों बात यह आती है कि इस क्विजार की लाइट को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो हम आपको बता दें कि इसकी लाइट हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 13.1 बिलियन साल लग जाते हैं। अब दोस्तों इन सब चीजों से तो आपको पता लग ही गया होगा कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस जैसी चीजें किस तरह से काम करती हैं। और अगर आपको अभी भी इस पर कुछ डाउट है
तो रात के समय में आसमान पर देख लीजिएगा, जितने भी चमकते तारे हैं वो ना जाने कितने साल पुराने हैं और उन्हें हम अभी भी देख सकते हैं, जो कि वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाकी दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।